महाराष्ट्र के मुंबई नगर में ऐसे कई बेघर लोग हैं जो किराए पर रहने पर मजबूर हैं। ये लोग अपने गांव और राज्य छोड़कर मुंबई में अपना गुजारा करने आते हैं, परंतु यहां के बढ़ती फ्लैट्स की कीमतों के कारण उनका यहां रहना मुश्किल हो जाता है और वह किराए पर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही मानखुर्द में लगभग सैकड़ों निवासी आशियाने के तलाश में हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मुंबई में खुद का घर सिर्फ 2.5 लाख रुपए में लेने का इंतजाम अब सरकार ने कर दिया है। गृह निर्माण विभाग ने इस संबंध में एक सरकारी आदेश भी जारी कर दिया है। यह फैसला मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के लिए एक वरदान की तरह सामने आया है। झोपड़ी के बदले सिर्फ 2.5 लाख रुपए में अब पक्का घर लेने की सुविधा मिलने जा रही है। यह फैसला तो सरकार ने कर दिया है, लेकिन आज भी ऐसे बेघर लोग हैं जो 15 से 20 साल से अपने पक्के मकान का सपना देख रहे हैं। हमारा हक्का है, हक्का देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग का ना ये क्या बोल दे उसको, हम लोग को देने का एक आज देगा, कल देगा, एक महीने में देगा, 15 दिन में देगा। मेरे को तो चाबी दिखा के बोला नहीं अभी मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ मेरे लिए। मेरा वो चाबी मेरे सपने में ही रह गया, मेरे को हाथ में कभी मिला ही नहीं देखने के लिए। 2009-10 के आसपास मैंने जैसे जैसे बहन से पैसा लेके, फिर कुछ माँ के जो जेवर थे वो सब गिरवी रखे, पैसे जमा करके हम लोग ने मधुकर कांबे जो एक बड़े कांग्रेस के लीडर थे उनको हम लोग ने दिया था। वो बोले कि गरीब के हम घर बना के देंगे। आज 13 साल के ऊपर होने आया लेकिन कोई खबर नहीं है। हर बार आने का हाँ अभी होगा ना अभी होगा, सिर्फ वादे हुए। पैसे तो सही मिले लिए पर वादों के आगे हम लोग कुछ नहीं मिला। अब तो हम चाहते हैं कि इस बार नया जो गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया करके वो इस मामले में छानबीन कर और हम जो गरीबों को जिनके पैसे इस तरह लूटे गए हैं उनको उनके घर दिए जाए। सच में बहुत परेशान है हम लोग। ये कामड़े लोगों ने ना हम लोग का पूरा ये सोसाइटी ने हम लोग को इतना फंसाया ना। ये वो संस्था का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले, उनने इतना फंसाया हम लोगों को। इतने साल से हम लोग ने पैसा भर के रखा, इतना झूठ झूठ हर एक को झूठ बोला उन्होंने, हर एक को कितना कितना पैसा ब्याज से हम लोग ने पैसा ला के आज इतना दो कल उतना दो। हाँ बोल नहीं सकते, दुख हो रहा है हम लोग को, घर नहीं है कैसा, हम लोग झोपड़पट्टी में रहते मालूम है हम लोग कैसे गुजारते हम लोग को मालूम है। वो भी भाड़े पे भाड़े से भाड़े का पैसा देने का, बच्चा स्कूल में जाने का, सब कुछ करना मांगता है। और इन लोग ऐसा फंसाते थे, इन लोग को भी दंड तो मिलना चाहिए। हम लोग को गवर्नमेंट ने घर देना ही चाहिए, ये हमारा हक है, घर चाहिए ही चाहिए हम लोग को। महात्मा फुले गृह निर्माण सरकारी संस्था की कमेटी द्वारा स्थानीय निवासियों को गुमराह कर उनसे पैसे ऐंठने का कार्य यहाँ किया जा रहा है। यहाँ हम नहीं तो महाराष्ट्र नगर मानखुर्द में रह रहे स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है। उनकी माने तो उन्होंने अपनी जिंदगी की पूंजी जमा कर उक्त संस्था के संचालक को सौंपी थी, किंतु 15 से 20 साल होने आए मगर अब भी इन बेघर निवासियों को घर की चाबी तक नहीं मिली है। जी हाँ, आपने सही सुना है, इन बेघर निवासियों को घर की चाबी तक नसीब नहीं हुई है। तो घर का सपना उनके जिंदगी से कोसों मील दूर है। मुंबई में अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे ये लोग खुद का आशियाना तो इसलिए अपने घर के जेवर बेचे, पैसे रकम इकट्ठा कर संस्था को रकम दी थी, लेकिन उनके पल्ले अभी तक घर नसीब नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात है, बीएमसी चुनाव से पहले सरकार ने जो लोगों से झोपड़पट्टी के बदले 2.5 लाख में पक्के मकान देने का वादा कर रही है वो सपना पूरा होगा या सिर्फ वोट की राजनीति के लिए लुभाने वाले वादे हैं, अब ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से विनोद कांबले की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।